पुणे के कस्बा सीट से कांग्रेस के रविंद्र जीते, बीजेपी का 28 साल पुराना किला ढहा। पुणे महाराष्ट्र विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनावों का रिजल्ट आज 2 मार्च गुरुवार को आ गया। पुणे की कस्बा और चिंचवड़ सीटों को बीजेपी के मजबूत किले के तौर पर पहचाना जाता रहा है। चिंचवड़ में तो कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन पुणे की कस्बा सीट में एक नया इतिहास लिखा गया है। चिंचवड़ में बीजेपी की अश्विनी जगताप जीत गई है। पुणे के कस्बा में कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी का 28 साल पुराने किले को फतेह कर लिया है। रविंद्र धंगेकर ने 11,040 मतों के अंतर से यह जीत हासिल की है। रविंद्र धंगेकर को कस्बा सीट पर 73,194 वोट मिले और बीजेपी के हेमंत रास ने 62,244 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। चिंचवड़ में दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्विनी जगताप बीजेपी के टिकट से लेकर लगभग 57,000 से ज्यादा मत हासिल कर चुकी है और वे महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार एनसीपी के नाना काटे से करीब 10,000 मतों से आगे है। चिंचवड़ में 20 राउंड में से 16 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है। कौन है रविंद्र धंगेकर, जिसने बीजेपी का 28 साल से अप्रोजय किला ढहा है? आप यह जानना जरूर चाहेंगे कि रविंद्र धंगेकर कौन है, उनकी क्या खासियत है कि उन्होंने बीजेपी के 28 साल से अपराजय माने जाने वाले पुणे के कस्बा के किले को ढहा दिया। हम आपको बता दें कि रविंद्र धंगेकर बाइक से चलते हैं, कार से नहीं। कभी सिनेमा देखने वे थिएटर नहीं गए। दरअसल कई बार उनके दोस्तों ने उन्हें पिक्चर का टिकट लाकर दिया, लेकिन जनता के कामों में इतने मशरूफ रहते हैं कि उन्हें 3 घंटे का समय निकालना वक्त की बर्बादी लगती है। कस्बा का चप्पा चप्पा जानता है रविंद्र धंगेकर कौन है। रविंद्र धंगेकर नगरी नगरी द्वारे द्वारे होकर कांग्रेस में पहुंचे हैं। इस बार महाविकास अघाड़ी की ओर से संयुक्त उम्मीदवार थे, किसी वक्त में वे शिवसेना में थे, फिर राज ठाकरे की पार्टी MNS में आए और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। मनसे में रहते हुए वे 4 बार नगर सेवक बने, इसलिए कस्बा का चप्पा चप्पा उन्हें जानता है। यहाँ उन्होंने काफी विकास के काम किए हैं, हार के बाद हार लेकिन जीत का करते रहे इंतजार। 2009 में उन्होंने MNS से ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। यहाँ वे बीजेपी के वर्तमान सांसद और तत्कालीन उम्मीदवार गिरीश बापट से हार गए, लेकिन नए उम्मीदवार होते हुए भी उन्होंने बापट जैसे दिग्गज को कड़ी चुनौती दी। बापट उस वक्त इनसे सिर्फ 7,000 मतों से ही जीत पाए थे। 2014 के चुनाव में भी धंगेकर को जीत नसीब नहीं हुई। फिर इन्होंने अशोक चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस का रुख किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया। आखिर आ ही गई जीत की घड़ी, यह जीत है बड़ी। रविंद्र धंगेकर अपने बारी का इंतजार करते रहे। धंगेकर OBC समाज से आते हैं। कस्बा की सीट पर लगातार ब्राह्मणों को टिकट मिलता रहा है। ब्राह्मण समाज के यहाँ 30% वोट है। ब्राह्मण समाज के अलावा यहाँ OBC और मराठा वोटरों को भी तादाद ज्यादा है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही OBC समाज के उम्मीदवारों को टिकट दिया। ऐसे में कांग्रेस के धंगेकर मविया के संयुक्त उम्मीदवार बने और आज वो घड़ी आ गई है जब उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है।